Hello students, I am Arvind Kumar, Physical Physics from Surat School, Rewari. Today we will discuss the topic capacitance of parallel plate capacitor. In last video we discussed the capacitance of parallel plate capacitor, but that was air filled. That means dono plates ke beech mein koi bhi wahan pe medium present nahi tha, air consider kiya tha, uska capacitance calculate kiya tha. Aaj hum इंसर्टिंग ए कंडक्टिंग स्लैब, एक कंडक्टर है, कंडक्टर कोई भी मेटल हो सकती है, कोई मेटल का पीस लिया और उन दोनों प्लेट्स के बीच में इंसर्ट किया, तो अब कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा वो कैलकुलेट करेंगे और कितना मेजरमेंट होगा. लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी मीडियम आप प्लेस करोगे इन बिटवीन द प्लेट्स तो कैपेसिटेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग. तो टूडेज टॉपिक इज कंडक्टिंग स्लैब. अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में सपोज करते हैं यहाँ पे ये प्लेट है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी और हम अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अभी तक कुछ भी फिल नहीं किया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव से और नेगेटिव, ये हमने डिस्कस. अगर ये एयर फील्ड है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नोट, वो हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ये प्लेट थी दोनों के बीच में जो सेपरेशन है प्लेट्स के बीच में वो भी हमने कंसीडर किया था, डी एरिया ऑफ द प्लेट्स ए है, यहाँ पे प्लेट्स को अगर देखेंगे इस डायरेक्शन में तो एरिया ए कंसीडर किया. इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में है, अभी हमने कोई भी मीडियम प्लेस नहीं किया तो वहां पे फॉर्मूला कितना आया था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द प्लेट, यहाँ पे चार्ज कितना था अपॉन में एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी. और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल चार्ज ऑन द प्लेट अपॉन में एरिया ऑफ द प्लेट, ये हम लिख सकते हैं एयर के अंदर. हमें ये भी पता था कैपेसिटेंस इन एयर कैलकुलेट कर चुके हैं, डेरिवेशन परफॉर्म कर चुके हैं, कैपेसिटेंस इन एयर, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा एयर में उसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए था परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ए एरिया एंड डी द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस ए टर्म्स कंडक्टिंग स्लैब. इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है वो डी है, मैंने एक स्लैब ली और ये स्लैब यहाँ पे देखते हैं कंडक्टर की, जिसकी थिकनेस लेस देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हो. यहाँ पे एक प्लेट ली जिसका एरिया सेम है, ये कंडक्टिंग स्लैब लिया, कंडक्टिंग स्लैब यानी कोई मेटल का पीस लिया जिसकी जो डिस्टेंस है वो टी है, थिकनेस कितनी मान ली हमने कंडक्टिंग स्लैब की, टी मान ली. अब कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, जीरो, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी जीरो. अब यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस प्लेट और ये जो पोर्शन है कंडक्टिंग स्लैब का इसमें जीरो है, तो बाकी जो स्पेस बचा हुआ है इस प्लेट और कंडक्टर, पॉजिटिव प्लेट और कंडक्टर सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नेगेटिव जो प्लेट होगी इस साइड में और उसके कंडक्टिंग स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग होगी, बाकी जो पोर्शन था कंडक्टर के इन साइड में जीरो है, वो हमने पहले ही चैप्टर में डिस्कस कर लिया. अब कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस. बाय इंसर्टिंग कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास ए की फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल. यहाँ पे चार्ज जो था और अपॉन में पोटेंशियल, चार्ज तो चलो हमने मान लिया कि इस प्लेट के ऊपर कितना है, क्यू है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना. पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, डिस्टेंस भी आपको पता है कहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस ये, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमने एक रिलेशन पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, तो वहां पे dV जो हम कैलकुलेट करते थे E इनटू में dr, दैट मींस
सेपरेशन कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल प्रोवाइड अस द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव तक नहीं है कंप्लीट, ये सिर्फ यहाँ पे पोर्शन में था, इनसाइड में जीरो है। तो जितना पोर्शन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अगर हमें मीडियम में चाहिए तो चार्ज हमें पता था, सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है इस टोटल डी में से टी को माइनस करते हैं तो बाकी की जो डिस्टेंस होगी वहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो वहां पे मैं लिखा ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितने डिस्टेंस तक है ये डी माइनस में टी। अब कोई आपसे कहे कि टी में कितना था, तो टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है जीरो, तो यहां पे जीरो, और कितने डिस्टेंस तक था टी तक, तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है ई नोट, एयर में कितना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, इसको एक्सपेंड किया था तो चार्ज अपॉन में ए एप्सिलॉन नोट, और ये मल्टीप्लाई में टी माइनस, यानी हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो पता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। तो यहां पे अगर हम कहें कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया जब हम पॉजिटिव प्लेट से और नेगेटिव तक जाते हैं, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई नोट, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो जितना पोटेंशियल यहां पे होगा उतना ही यहां पे चेंज होगा ही नहीं, तो यहां तक का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है जीरो। आगे जब हम जाएंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने जितनी डिस्टेंस थी वहीं तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, इसमें वैल्यू हम पुट करें क्योंकि हम मीडियम इंसर्ट करने के बाद में कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। सी एम इज इक्वल टू चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, लिख देंगे क्यू इंटू डी माइनस में टी और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में ए। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में क्यू चार्ज सेम था तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस में टी, ये वैल्यू। तो यहां पे मीडियम की वैल्यू कितनी आई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस में टी। अगर इसको ध्यान से देखें तो एयर में जो था कैपेसिटेंस वो कितना था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, एरिया तो उतना ही था, एप्सिलॉन नॉट भी है एरिया भी है, लेकिन वहां पे कंप्लीट डी था और डी में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ है, तो यहां पे माइनस होगा तो डिनोमिनेटर कम हुआ है, तो कैपेसिटेंस जो होगा वो क्या हुआ है इंक्रीज हुआ। तो कंडक्टिंग स्लैब जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस एयर के कंपैरिजन में क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर मैं ये कह दूं स्पेशल केस अगर एक डिस्कस करें, इफ टी इज इक्वल टू डी, इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो या ये कहें कि कंप्लीटली फिल्ड कर दिया पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव को, मेटल सरफेस ले लें तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, या ये कहें कि जितना भी आप चार्ज दोगे वो सारा चार्ज है दूसरी प्लेट पे चला जाएगा, यानी ट्रांसफर होता रहेगा, कितना ही चार्ज देते रहो तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, तो वहां पे टी इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे माइनस करेंगे डिनोमिनेटर में जीरो, दैट मीन्स कैपेसिटी ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज इक्वल टू जीरो एंड इट विल बी सॉरी इनफाइनाइट एंड इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर, यानी कंप्लीट ही कंडक्टर हो गया, कैपेसिटर का तो केस ही नहीं बचा, इसलिए उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाती है कंडक्टर की इनफाइनाइट के टर्म्स। ठीक है, तो ये था कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करने से। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द इंसर्टिंग ए डायलेक्ट्रिक स्लैब, अगर यहाँ पे कोई ऐसी स्लैब इंसर्ट कर दे जो कंडक्टर नहीं है तो फिर कैसे होगा, तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस दैट। थैंक यू।